हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। सबसे पहले गुड इवनिंग आप सभी को। अभी शाम के 3:30 हो रहे हैं। आज फिर आ गए गंगा साइड और आप देख सकते हैं यहाँ, और चूँकि अब आ चुकी है ठंडी, तो ऐसे में थोड़ा धूप सेकना अच्छा रहता है, काफ़ी अच्छा यहाँ लगता है थोड़ा। और आज आसमान तो पूरी तरह से एकदम साफ है, कहीं किसी प्रकार का बादल नहीं दिख रहा है, और आप खुले आसमान में आप धूप देख सकते हैं। और ये रहा गंगा का किनारा, जो कि पूरी तरह सूख चुका है, और पीछे आप देख सकते हैं जुताई भी हो गई है। मेरे पीछे आप देखिए, वहाँ कुछ जानवर चल रहे हैं, बाकी कुछ बच्चे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं। वहाँ पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी लोग हैं, और चलिए बैक कैमरा करके दिखा रहे हैं। ये आसमान में आप धूप देख सकते हैं, वैसे काफ़ी प्यारा व्यू आ रहा है। आसमान एकदम पूरी तरह से साफ, मौसम काफ़ी अच्छा है, और आप इस गंगा साइड की तस्वीर को देख सकते हैं। चलिए, हो सकता है आज आपको लेकर चलेंगे किनारे, क्योंकि अगर देखेंगे जाने लायक रास्ता रहेगा तो चलेंगे। वहाँ आप देख सकते हैं बच्चे मैच खेल रहे हैं, बाकी तो किनारे साइड जाने के लिए रास्ता तो मिल गया हम लोगों को। वहाँ पुलिया लगा रखी हुई है नाले में, तो उसी को क्रॉस करते हुए हम लोग जाएंगे। अब यहाँ से आप गंगा की ढलान देख सकते हैं, ऊंचाई आप देखिए ऊपर कितना ऊंचा है। साथ ही आप इस नाले को देखिए, कितना गंदा नाला अब दिख रहा है, क्योंकि ये पानी पूरी तरह से नाले का ही है, गंगा जी का पानी इसमें है नहीं, और जो अपशिष्ट जल है वो पूरी तरह से इसी नाले में इलाहाबाद का पूरा बह करके गंगा जी में प्रवाहित होता है। यहाँ देखिए गेंदा इसमें जा चुका है, वही बच्चे को गेंदा निकाल रहे हैं इस नाले में से। अब गंगा के इस पूरे मैदान में आप देख सकते हैं, अब धीरे धीरे खेती की ओर बढ़ रहा है, लोग अपने अपने जगहों पर खेती कर रहे हैं। वैसे किसी का बेसकरी है नहीं, ये पूरा गंगा का मैदानी इलाका है, किसी के नाम का नहीं है, फिर भी लोग अपना कृषि कार्य इस जमीन पे करते हैं। रबी फसलें, खरीफ फसलें तो इसमें खैर नहीं बोई जाती, क्योंकि उस समय बाढ़ आ जाता है। बाकी रबी फसलें तो इस साल तो आप देख रहे होंगे काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग इस गंगा के मैदान का जुताई कर रहे हैं। वहाँ आप देख सकते हैं ट्रैक्टर भी चल रहा है, वो देखिए जूम करके दिखा दे। ये आप बहुत सुंदर घोड़ी देख सकते हैं, जो कि बेचारी भी बंधी हुई है उस पोल में, काफी सुंदर। इसका कलर भी काफी अच्छा है, एक ही कलर का है, किसी प्रकार का मिक्स नहीं है इस कलर में। ये आप एक गधही देखिए, और उसके पास उसका एक बच्चा, काफी ब्यूटीफुल लग रहे हैं दोनों, और दोनों बेचारे, एक गधी का मुंह आप देख सकते हैं बंधा हुआ है उसका।
ये देखिए कितना प्यारा, इसका रंग भी एक ही कलर का है, लेकिन इसके माथे पर आप एक वाइट कलर का टिकुल देख सकते हैं। तो गाइस फाइनली आज हम लोग आ गए गंगा जी के इस पार। आप देख सकते हैं हमारे पीछे इतनी सारी बकरियां और उनके साथ उनका चरवाहा, और आज हम आप लोगों को लेकर चलेंगे उस पोल के पास जो आप बिजली का पोल देख रहे हैं, वहां लेकर चलेंगे। और ये पूरा आप एरिया देखिए, गंगा का मैदानी इलाका, और वहां कुछ घोड़े हैं जो कि मस्ती कर रहे हैं, चल के दिखा रहे हैं उन घोड़ों को भी। बने रहिए आप लोग इस ब्लॉग में। और रात तो धूप काफी प्यारी खिली हुई है, और वैसे ठंडी भी आ चुकी है, तो ठंडी में धूप की आवश्यकता ज्यादा पड़ता है गर्म होने के लिए। अब आपको बताएं, वो देखिए वो सलोरी है, और इधर आप आ जाएंगे तो IIT कॉलेज, बगल में आप ये छोटा बघाड़ा देख सकते हैं। चूंकि प्रकाश काफी तेज पड़ रहा है तो ऐसे स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, छोटा बघाड़ा, IIT कॉलेज, फिर उसके बाद इधर सलोरी आपको दिखेगा, और ये रहा पूरा पोल। अब चलिए चलते हैं पोल के पास, फिर वहां से तस्वीरें दिखाएंगे आप सभी को। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए इस पोल के पास, और यहां फिर आपको एक मिल गया नाला हम सभी को। अब ये नाला तो क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा, चूंकि इस नाले को क्रॉस करने के लिए कोई वैसे पगडंडी बना नहीं है जिसके माध्यम से हम लोग उस पार जा सकें। और गहरा तो खैर नहीं, लेकिन पानी इसका इतना गंदा है इसमें पैर रखना मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ इतने सारे घोड़े आप देख सकते हैं एक साथ, और इस समय गंगा के इस मैदानी इलाके में आप देखिए ट्रैक्टर हर जगह चल रहे हैं, रबी फसल की बुआई के लिए लोग अपने जिनका जो क्षेत्र अपना बो रहे हैं, जुताई कर रहे हैं। वहां देखिए कुछ जानवर हैं जो कि चर रहे हैं, और यहाँ वैसे देखने में तो काफी सुंदर दिख रहा है पूरा एरिया, आप देख सकते हैं यहाँ से एकदम पूरा खाली खाली दिख रहा होगा। तो गाइस फाइनली आप यहाँ का तस्वीरें देख सकते हैं, इस नाले में कितनी सारी पक्षियां एक साथ इकट्ठा हुई हैं। वहां जो आप व्हाइट व्हाइट देख रहे हैं वो सारी पक्षियां हैं, उनकी आवाज आप स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं, और देखने में काफी प्यारा व्यू आ रहा है उन लोगों का। ये रहा नाला, यहाँ से आप पूरा नाला देख सकते हैं। नाला यहाँ एक कृत्रिम जो वो नहीं रहता, उसी प्रकार के बन चुका है ये नाला, बहते हुए डायरेक्ट उस नाले में जाकर मिल जाता है। ज्वालामुखी का जो गर्त जैसे बनता है उसी प्रकार से बना हुआ है। और वहां आप पूरी सारी पक्षियां देख सकते हैं, उनकी आवाज चहचहाहट आप आसानी सुन सकते हैं। और इधर आप गंगा की इस पूरी मैदानी इलाके में पोल आप देख सकते हैं इस पार से उस पार, ये देखिए इस पार से होते हुए पूरा उस पार आप पोल देख सकते हैं, और काफी प्यारे व्यू आ रहा है यहाँ से। चलिए कोशिश कर रहे हैं उन पक्षियों को दिखाएंगे आप लोगों को, क्योंकि वहाँ उन लोगों के पास जाने पर क्या होता है कि वो उड़ जाती हैं। वैसे भी इन जमीनों में काफ़ी नमी है, लोग बिना सिंचाई के रबी फसलों को आसानी से बो सकते हैं, क्योंकि वो अभी इसमें है नमी काफ़ी बड़ी मात्रा में। चलिए वहाँ लेकर चलते हैं, अगर पक्षियाँ रुकी रह गई तो ठीक ही है, आप लोग भी देख सकते हैं। वैसे भी अगर थोड़ा बहुत हलचल उन पक्षियों को मिलता है तो वे लोग क्या करते हैं, उड़ जाते हैं। ये देखिए कतार में कितनी सारी पक्षियां एक साथ खड़ी हुई हैं, वो देखिए सारी पक्षियां उड़ गई। यहां से आप पूरा इलाका देख सकते हैं। Thank you.
तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हाँ, जो मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें हाँ कि किस प्रकार की वीडियो आप लोगों को चाहिए, उसी प्रकार की वीडियो हम बनाएं और आप लोगों को पसंद आए। तो चलिए वीडियो करते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।